सहजना पुलिस ने पटियाला से पश्चिम बंगाल के हल्दिया ले जा रहे लगभग 20 लाख का अवैध शराब बरामद करने में सफलता पाई। बुधवार की देर रात पुलिस को एक ट्रक पर अंग्रेजी शराब की खेप जाने की सूचना मिली तो आनंद फानन में पुलिस ने चेकिंग की तो रॉयल पटियाला ब्रांड की 1100 पेटी शराब बरामद किया, जिसमें 250 ml की 450 पेटी तथा 750 ml की 650 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए की है। पकड़े गए अभियुक्त जौनपुर का रहने वाला अनिल कुमार पुत्र लालचंद तथा पंजाब का साजन पुत्र पप्पू है। ये लोग शराब को पटियाला से हल्दिया पश्चिमी बंगाल को ले जा रहे थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। हट जाओ, बाहर निकलो, और तुम लोग बाहर हटा, तुम लोग कहीं हट जाओ। अरे हटा यार, सामने का नाम है तुम सब? तुम्हारा पिताजी का नाम? लालचंद मिश्रा। गांव? गांव डिंगिया जी। थाना? छोटाहन। जिला? जौनपुर। तुम्हारा नाम? साजन। बाप का नाम? हाँ, आगे पता? पटियाला, पंजाब। पंजाब, आजाद नगर। हाँ, ये गाड़ी किसकी है? मालिक की है। मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम बताओ, ड्राइवर? अमनदीप सिंह। हाँ, ये गाड़ी में क्या था, कहाँ से कैसे ले जा रहे थे बताओ? सर जी, पटियाला से लोड हुई थी मैन फैक्ट्री सर। हाँ सर जी, सर हम लोग कुछ नहीं पता, ट्रक यूनियन से नंबर कटा था सर, ट्रक यूनियन नंबर कट गया साहब, माल लोडिंग गई थी, हम लोग कुछ नहीं पता। क्या लगा था इसमें? दारू लगा था सर। क्या दारू? हमको एक नंबर, रुक जाओ, दारू लगा था। ठीक है, गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी ये चला रहा था एक, मैं बैठा था। तुम बैठे थे? गाड़ी ये तुम्हारा चेला है? अभी चेला नहीं है, मतलब गाड़ी यही चला है, मतलब साथ में। अच्छा, तुम ही गाड़ी चला रहे थे? अच्छा, दोनों मिल के चलाते हो। इसको तो चोट लगी है, ये थोड़ा बहुत चलाता है, का कम दूरी तक ये चलाता है? बराबर ही चलाते, चोट तो लगी है इसको, चला लेता है का? सर जी चला गई ले रहा था, जैसे कहीं नींद नींद आ गई थी, मैं थोड़ा बहुत चला लेता था, मैं आगे पीछे। अच्छा, थोड़ा बहुत तुम चला रहे? चोट लगी, चलाता था मैं, फुल ड्राइवर हूं। ठीक है, चलो, चोट कर नहीं चला। इसमें क्या लगा था? दारू लगा था। चलो ठीक है, चलो ठीक। कहाँ बिहार? कहाँ बिहार ले जा रहे थे? कलकत्ता जा रहे थे। चलो ठीक, चलो। जनवा में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक पानीपत का, एक जौनपुर का निवासी है, जो कि शराब लेके यहाँ पे आ रहे थे। शराब की बॉटलिंग और सैंपलिंग प्रथम दृष्टया पूरी तरह फर्जी प्रतीत हो रही है और इनके पास कोई कागज़ भी नहीं थे। शराब का पूरा ट्रक जो है करीबन 20 लाख रुपए की शराब इसमें बताई जा रही है और ये यहां से इसको वेस्ट बंगाल लेके जा रहे थे। इनके द्वारा बताया गया है, कुछ जानकारी दी गई है कि किस प्रकार ये फर्दर इस पूरे मटेरियल का आदान प्रदान कर रहे थे। आबकारी विभाग को भी इसमें सूचित किया गया है, उनके द्वारा भी विवेचना में सहयोग लिया जा रहा है और जो दो लोग हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके शेष पूरा हम लोग इसका गैंग वर्कआउट करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।